नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आपका फेसबुक अकाउंट टेम्पोररी लॉक हो चुका है? क्या आपके फेसबुक अकाउंट में ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, कंफर्म योर आइडेंटिटी? दोस्तों, अगर आपका फेसबुक अकाउंट टेम्पोररी लॉक हो चुका है तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप उसे कैसे अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना फेसबुक अकाउंट को ओपन करता हूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है कन्फर्म योर आइडेंटिटी। तो दोस्तों, इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पे हमको क्लिक करना होगा गेट स्टार्टेड पे। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर अकाउंट इज टेम्पोररी लॉक, मतलब कि हमारा फेसबुक अकाउंट टेम्पोररी लॉक हो चुका है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है सबसे जानना ये जरूरी होता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आपका फेसबुक अकाउंट या तो किसी के द्वारा हैक कर ली जाती है या फिर आपकी फेसबुक अकाउंट से कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी होती है जिससे इस तरह का मैसेज लिखा हुआ आता है, या फिर आप किसी ऐसे वेबसाइट पे फेसबुक से साइन इन करते हैं वहाँ पे आपकी अकाउंट हैक होने की चांस रहता है तो इसे ऐसा मैसेज आने लगता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा कंटिन्यू पे। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, गेट ए कोड सेंड टू योर ईमेल, मतलब कि आपके ईमेल पे एक ओपीटी भेजा जाएगा और उस ओपीटी को यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। दोस्तों, अगर आप अपना फेसबुक में ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं किए होंगे तो उस स्थिति में आपके मोबाइल पे एक ओपीटी भेजा जाता है। दोस्तों, अगर आपको याद नहीं है कि हम फेसबुक में कौन सा ईमेल आईडी यूज किए थे तो आप यहाँ पे चूज कीजिएगा दूसरे वाले ऑप्शन को। यहाँ पे आपको तीन मंथ के अंदर में कुछ पोस्ट पे आप कमेंट किए होंगे तो वहाँ पे आपको कुछ कमेंट दिखलाई जाएंगे और उनमें से आपको चार कमेंट को सेलेक्ट करना होगा। वो चारों कमेंट आप ही का होना चाहिए। अगर दोस्तों वो भी आपको याद नहीं है तो यहाँ पे आपको एक तीसरा ऑप्शन मिलता है, आइडेंटिटी फोटो ऑफ फ्रेंड, मतलब कि यहाँ पे आपको आपके फेसबुक फ्रेंड की एक फोटो दिखलाई जाएंगे और उसके नीचे 6-7 नेम होगा, उस फ्रेंड का नेम आपको सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे आसान होता है गेट ए कोड सेंड टू योर ईमेल। मैं इस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कराऊँ और इसके बाद हम क्लिक कराऊँ कंटिन्यू। तो यहाँ पे मेरे ईमेल का शुरू का और लास्ट का डिजिट दिखलाई दे रहा है और इस ईमेल पे एक ओपीटी भेजा जाएगा, उस ओपीटी को यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर रहा हूँ कंटिन्यू और यहाँ पे लिख रहा है कि आपके मेल पे एक 8 कैरेक्टर का ओपीटी भेजा गया है। तो यहाँ से इसे हम कट करते हैं और चलते हैं अपने जीमेल में। अपने जीमेल एप्स को ओपन करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि कोई मेल फेसबुक से आया कि नहीं आया। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे फेसबुक में एक मेल आ चुका है और यहाँ पे ये कोड है, इस कोड को मैं फेसबुक में इंटर करने वाला हूँ। ओपीटी डाल देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू। अब दोस्तों, यहाँ से आपकी फेसबुक अकाउंट रिकवर हो जाती है। इसके बाद आपको फिर से क्लिक करना होगा कंटिन्यू। दोस्तों, यहाँ पे आपको अब नया पासवर्ड बनाना होता है क्योंकि आपके अकाउंट एक बार हैक हो चुकी है तो वो हैकर आपका पासवर्ड जान चुका होता है, इसलिए आप यहाँ पे अपना नया पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अपना नया पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड डाल के क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू। इसके बाद फिर से आपको क्लिक कर देना होगा स्किप। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपकी अकाउंट हैक हो चुकी है, आपकी अकाउंट से कोई भी व्यक्ति लॉगिन करके किसी पोस्ट पे अगर कमेंट किया है और वो कमेंट आपका ये नहीं है, आप इसे यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो चूंकि ये मेरा कमेंट है इसलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ स्किप और यहाँ से अब आपकी अकाउंट बिल्कुल सेफ है, आप इसे यूज कर सकते हैं गो टू न्यू फीड पे क्लिक करके। अब दोस्तों, यहाँ से आप देखिए मेरा फेसबुक अकाउंट बिल्कुल रिकवर हो चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके काम की होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।